जबरदस्त शॉट, गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में, 6 रन। एक बार फिर उससे भी बेहतर 24। So, yeah, what's up everybody, welcome back to the channel All Skyro। तो देखो मैं ना ये बात जानता हूँ कि तुमने ना ड्रीम क्रिकेट गेम को डाउनलोड कर लिया, पर अब तुमसे ना ही छक्का लग रहा है ना ही चौका लग रहा है, मतलब तुमसे बाउंड्री लग नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि तुम बस और बस कैच आउट हो जा रहे हो, हर बॉल में तुम कैच आउट हो रहा है, तुम्हारा टाइमिंग बैठ ही नहीं रहा है। पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ना अब एकदम सही जगह आ चुके हो। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा यार ड्रीम क्रिकेट 25 गेम के अंदर छक्के चौके मारने की एकदम 100% वर्किंग ट्रिक। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे ना बस और बस तुम्हें ना 100% वर्किंग ट्रिक ही हमेशा देखने को मिलती है। आलतू फालतू वीडियोज़ मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। सो इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखो मैं आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर ना हार्ड मोड में बैटिंग करना सिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखो अगर तुम हार्ड मोड में बैटिंग करना सीख जाओगे ना, उसके बाद तुम इजी और मीडियम मोड में ना, तो भाई आराम से छक्के चौके मार ही पाओगे। तो मैं चलो डिफिकल्टी सब सेटअप कर लेता हूँ और मैं जल्दी से मैच के अंदर आता हूँ। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बेसिक्स बता देता हूँ कि देखो ये जो मैं अभी बैटिंग ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा स्वाइप कंट्रोल के लिए, और मैंने भाई तुम्हें 100 टैप करके बता दूंगा कि तुम्हें कब स्वाइप करना है। और ये सब के साथ में तुम ये देखो, अगर तुम छक्के मारना चाहते हो ना इस गेम के अंदर, तब तुम्हें ये जो है ना शॉट पावर, तुम्हें इसे हमेशा एकदम मैक्स फुल 100 पर ही रखना है। इसे कम बिल्कुल भी मत करना, एकदम 100 फुल मैक्स पर रखना। और ये सब के साथ में भाई ऑब्वियसली तुम्हें तो लॉफ्टेड करके रखना है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। और इसके साथ में तुम ना ऑटो रन को भी करके रख सकते हो, क्योंकि ऑटो रन भाई तुम्हारा मदद करता है अगर तुम भाई कभी कभी भूल भी जाओ, तुम्हारा रन भाई ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। और मैंने तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि ड्रीम क्रिकेट 25 गेम के अंदर ना छक्का मारना डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पे टाइमिंग के साथ साथ सही डायरेक्शन में भी मारना पड़ता है। सो और यहाँ पे भाई तुम्हें ऊपर ना टाइमिंग मीटर भी देखने को मिल रहा होगा, परफेक्ट जो है वो लगभग लेट के आसपास है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ अभी मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ सब कुछ। तो जैसा कि तुम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो सामने बॉलर वो एक स्पिनर है, और ये जो लेंथ डालने वाला है ना वो लगभग यॉर्कर की लेंथ डालने वाला है। तो देखो अगर तुम्हें भी ऐसी बॉल भी मिलती है स्पिनर के द्वारा खेलने को, तब तुम्हें तब स्वाइप करना। तुम भाई स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि मैंने भाई कब स्वाइप किया, जब वो बॉल था बस मेरे पास पहुंचने ही वाला था, तब मैंने भाई जल्दी से स्वाइप कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए स्क्रीन को रोक कर भी दिखा दिया, जो तुम्हें व्हाइट कलर का दिख रहा ना वो भी मेरा स्वाइप है, मैंने 100 टैप करके सेटिंग से रखा था। सो इससे तुम्हें पता चल जा रहा है कि तुम्हें कब स्वाइप करना। तो देखो अगर मैं अभी इस टाइम पर स्वाइप करूंगा ना, उसके बाद ये जो मेरा शॉट है ना एकदम परफेक्ट टाइमिंग बैठा, और जो डायरेक्शन था वो भी मैंने सही चूज किया, इसलिए भी जो बॉल था वो चला गया है 6 रन के लिए। और ये मैं बता देता हूँ ये ना मैं हार्ड मोड के अंदर खेल रहा हूँ, इजी नहीं है, हार्ड मोड है। तो मैं ना तुम्हें इसका नेक्स्ट बॉल दिखाता हूँ, बिना स्किप किए मैं तुम्हें नेक्स्ट बॉल दिखाता हूँ। मैं नेक्स्ट बॉल पे भी छक्का मारूंगा अभी। तो देखो ये जो बॉलर है वो एक स्पिनर है दोबारा से, और ये जो भाई लेंथ फेंका है ना इसने अभी, उसने फेंका है भाई एकदम गुड लेंथ। तो अगर तुम्हें गुड लेंथ की बॉल मिलती है ना, तब तुम्हें तब स्वाइप करना जब ये बॉल रहा ना वो भाई बस बाउंस होने वाला, मतलब तुम देख भी सकते हो ये जो बॉल है वो जस्ट भाई बाउंस होने वाला है। तो बाउंस होने के जस्ट 0.5 सेकंड से पहले तुम्हें ना भाई स्वाइप कर देना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम अभी स्वाइप करोगे तो क्या होगा। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि यार मैंने हार्ड मोड के अंदर भाई एकदम सही टाइम पर स्वाइप किया और सही डायरेक्शन में स्वाइप किया, और मुझे मिल चुका है 6 रन। तो अब मैंने तुम्हें ना इस गेम का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूँ क्या है छक्के चौके मारने का। तो देखो अगर तुम इस गेम के अंदर ना छक्के चौके मारना चाहते हो ना सही में, तब तुम्हें ना जो तुम्हें टाइमिंग करना है ना, तुम्हें एकदम लेट रखना है। तुम जैसे कि भाई जानते भी होगे कि इसका जो परफेक्ट टाइमिंग का जो मीटर आता है ना, उसका परफेक्ट भी हमेशा लेट के तरफ ही टिल्ट रहता है। तो अगर तुम इस गेम में भी छक्के चौके मारना चाहते हो, तो तुम्हें ना हमेशा तभी स्वाइप करना जब वो बॉल है बस तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला हो। क्योंकि देखो बाकी सारे गेमों में ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सारे क्रिकेट गेम है, पर उसमें होता क्या ना तुम्हें ना भाई जल्दी स्वाइप करना पड़ता है। पर ये जो ड्रीम क्रिकेट 25 गेम है ना, इसका तुम्हें ना हमेशा एकदम लेट स्वाइप करना है, जब बॉल तुम्हारे पास पहुंचने वाला होगा तभी तुम्हें स्वाइप करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ना तुम्हें ना स्पिनर के खिलाफ छक्के चौके मारने की ट्रिक बताई है, पर अगर तुम ये भी चाहते हो कि भाई मैं फास्ट बॉलर के खिलाफ भी छक्के चौके मारने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं, तो तुम्हें करना क्या ना कि तुम्हें कमेंट में जाकर भाई कमेंट करते रहना पार्ट टू, ऐसे भाई मुझे भी पता चले तुम्हें सही में वीडियो देखना चाहते हो या फिर नहीं। और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ऐसे भाई जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो भाई तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम उस वीडियो को देख पाओ। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।